हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एंड कुछ अपकमिंग वीडियोस में हम कवर करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो रिक्वायर्ड है हॉल इफेक्ट के डेरिवेशन के लिए। तो इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के कॉन्सेप्ट को। सो आइए सबसे पहले देखते हैं करंट डेंसिटी क्या होता है। सो फ्रेंड्स, मेरे पास अगर कोई कंडक्टर है और मैं इस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के अमाउंट को मेजर करूँ कि कितना करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया से, तो इसे ही हम कहेंगे करंट डेंसिटी एंड इसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल कैपिटल जे से। सो करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर एंड एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। सो हम कह सकते हैं कि करंट डेंसिटी का यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सो आइए देखते हैं एग्जाम में आपको इसके डेफिनेशन को कैसे लिखना है। सो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवलिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी एंड इट इज एक्सप्रेस्ड और इट्स ऐसा यूनिट इज एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। सो यह है सिंपल सा कंसेप्ट ऑफ करंट डेंसिटी। सो आइए मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। सो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करता है कि किसी भी चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। सो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि किसी चार्ज पे जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उस फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसी सेम फॉर्मूले को हम वोल्टेज एंड डिस्टेंस के टर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल दोनों ही फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। आइए सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको इसके डेफिनेशन को। सो इट इज स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट गिवन पॉइंट, और इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसलिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होगा, ई दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मैग्नीट्यूड के टर्म में फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ना कि वेक्टर के टर्म में। फिलहाल इस फॉर्मूले को मैं वोल्टेज एंड यानी पोटेंशियल डिफरेंस एंड डिस्टेंस के टर्म में कन्वर्ट करूंगा। सो यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, देखिएगा। सो ये है मेरे पास एक डायग्राम जिसमें दो प्लेट है, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है एंड एक प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है डी। तो अब यहाँ पर मैं वर्क डन का कंसेप्ट अप्लाई करूंगा एंड फोर्स एंड क्यू के फॉर्मूले को रिप्लेस करूंगा। सो इसे मैं इक्वेशन नंबर कहता हूँ वन। सो आप सबको पता ही होगा कि वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी क्यू। सो यहाँ से मुझे क्यू का फॉर्मूला मिलेगा डब्ल्यू बाय वी। ओके, सो इसे मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर टू। सिमिलरली फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फोर्स को एफ से, एंड यहाँ पर मुझे एफ का फॉर्मूला मिलेगा डब्ल्यू बाई डी। सो इसे मैं इक्वेशन नंबर थ्री कहता हूँ। फ्रेंड्स, टू एंड थ्री को हम वन में सब्सिट्यूट करेंगे एंड वी विल गेट ई इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई डी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू बाई वी, एंड डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा एंड मुझे मिलेगा वी बाई डी। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम वोल्टेज पर यूनिट डिस्टेंस या पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस भी डिफाइन कर सकते हैं। एंड याद रखिएगा, ये दोनों ही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ये फर्स्ट वाला भी एंड सेकेंड वाला भी हॉल इफेक्ट में। तो अब फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हॉल इफेक्ट को समझने के लिए ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।